नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हमारे चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रेवाड़ी शहर की, तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा था कि वैक्सीन लगवाने का कार्य चल रहा था, उस पर ये कहे कि एक तो हम तेजी लाएंगे। गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो रजिस्ट्रेशन तो लोगों का हो रहा था लेकिन बुक नहीं हो रही थी, उसको लेकर गवर्नमेंट ने कहा कि हम फटाफट तेजी लाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगे। इसी तरीके से मैं आपको एक घटना बताता हूँ। मोहल्ला जो छिपटवाड़ा है, वहां के अंदर दो दिव्यांग भाई है, मतलब दो दिव्यांग लोग है भाई है वो। आपको बता देता हूँ कि जो वहां के उप प्रधान, उन्होंने कहा था कि उनको भी वैक्सीन लगवाई जाए, तो देखिए उन्होंने भी आराम से वैक्सीन लगवा ली। तो आपको बताता हूँ कि जब वो लोग भी वैक्सीन लगवा रहे आराम से, उनको बिल्कुल डर नहीं है, तो किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए वैक्सीन से कोई ज्यादा मतलब कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए लोग कह रहे हैं कि नुकसान होगा या कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रम फैलाए जा रहे हैं। आप वैक्सीन लगवाओगे तो आपके कोरोना का होने का जो खतरा है वो काफी कम हो जाएगा। इसके बाद दूसरी खबर है हमारे पास, वो यही है कि अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक न्यूज बताई थी जिसके अंदर एक नाबालिग के साथ एक व्यक्ति ने दुष्कर्म कर दिया था। जो घटना जो पुलिस में शिकायत दी थी, देखिए पुलिस में शिकायत दी थी कि एक व्यक्ति ने, उसने कहा था कि हम यूपी निवासी हैं जो कि रेवाड़ी में किराए के मकान पर रहते हैं। उसने ये कहा कि रात को 2 बजे जब उसकी आंख खुली तो उसकी लड़की वहां पर नहीं थी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू करी और जांच में पता चला और एक व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके बाद जो तीसरी खबर हमारे पास ये है कि ब्लैक फंगस, देखिए कोरोना संक्रमण तो अभी से गया नहीं, इसके बाद एक और नया आ गया, ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस के 4 संदिग्ध रेवाड़ी में मिले। हालांकि ये बताया जा रहा है कि 2 जो केस है वो कंफर्म है, लेकिन अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि ब्लैक फंगस के 2 केस हो, मतलब हम कह सकते हैं कि ब्लैक फंगस के जो 2 केस अभी बताए जा रहे वो भी कंफर्म ऑफिशियली अभी नहीं हुआ है कि वो है या नहीं। इसलिए 4 संदिग्ध माने जा रहे हैं रेवाड़ी के अंदर ब्लैक फंगस के। अगर आपको भी लक्षण दिखाई दिए, अगर आपको लक्षण लगे आपके अंदर, तो प्लीज हॉस्पिटल जरूर जाए, डॉक्टर को दिखाए। इसके बाद जो चौथी खबर है वो ये है कि कोरोना संक्रमण का, आपको बता देता हूं कि कल रेवाड़ी के अंदर फिर से 249 नए केस मिले। हालांकि 190 लोग ठीक होकर गए, लेकिन कल ऐसा हुआ कि केस ज्यादा मिले और लोग कम ठीक होकर गए। और आपको बता देता हूं कि ये ऐसी पहली घटना है जब रेवाड़ी के अंदर कोई विदेश का आदमी कोरोना संक्रमित हुआ और उसके बाद उसकी मौत हो गई। कल रेवाड़ी के अंदर 6 लोगों की मौत हुई जिसमें एक व्यक्ति चाइना का था। ये रेवाड़ी के अंदर ऐसी पहली घटना, इससे पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ था रेवाड़ी के अंदर। इसके बाद जो आज की आखिरी खबर है वो ये कि मेडिकल स्टोर पर छापे। आपको बता देता हूँ रेवाड़ी के अंदर 3 मेडिकल स्टोर पर छापे पड़े हैं। देखिए हमें नाम सभी का पता है, लेकिन यूट्यूब की गाइडलाइंस के खिलाफ इसलिए हम आपको नाम नहीं बता सकते। 2 तो धारड़े चुंगी के पास मेडिकल स्टोर है और एक कसोला चौक के पास है। देखिए रेवाड़ी की जितनी भी बड़ी खबरें वो जानने के लिए आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। रेवाड़ी की जितनी भी बड़ी खबरें सुबह 11 बजे आपको मिलेगी और रात को 8 बजे आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। इसके बाद जो मेडिकल स्टोर सील किए गए, उन्होंने जब गवर्नमेंट से मतलब प्रशासन से इस बारे में डिस्कस किया, तो वो कह रहे हैं कि जो स्टीरोइड्स होते हैं उनका जो मेंटेन पूरा नहीं कर रखा, उनका डाटा नहीं बना रखा था, इसलिए ये छापे पड़े हैं। तो देखते हैं अब आगे क्या कार्रवाई होती है। रेवाड़ी की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ आप सभी से निवेदन है कि मास्क जरूर पहने, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे और वैक्सीन का मौका जब भी मिले अवश्य लगवाएं। इसी के साथ धन्यवाद।